She's adorable. One more. One more. Tell mom, Naman. Tell mom, Anita, auntie. Yeah. Say hi to everyone. Hi, Gandhi. Hi. Oh, it's so cute. No, 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 this one's too good. I can see the way you look. Hey, Ravi. Look what you Yeah, we are ready portfolio. Sir, ji. Yes, sir. Rukmini's Namrata inside, you can go in. Come, we'll start till then, huh? How can we start with... It's okay. Diya has to be there. Ramesh Antoika? Ramesh Kalu, soft class. Then after that, whenever you're allowed to eat, everybody. I think then after that, then you come down. We'll feed you nicely. लता जी वाले उसमें नुरवी का नाम था चलो चलो बता दूं कि लता दीदी की ये आरती सुन के इसमें नुरवी पूर्वी प्रेम आता है तो नुरवी हमारी नुरवी का नाम वहाँ से प्रेरणा हमको मिली है पापा की वर्षी मंगलमूर्ति मंगल मूर्ति उंदीर
मामा की जय। जय जयकार से हमारी नुरवी रानी जय जयकार का पहला गणपति जय गणपति में ही आई थी। That's all I can say. We are blessed to know you all because of this which he gets to believe. She is too amazing. What did you all have? Nothing. Hello. We had you had anything. They, no, no, he gave us a bowl. I had to have a bowl. Dad, she wants to come to Come, you all take these photos first. Yes, yes, sir. So because then she'll inform you coming. Come. Yes, yes, sir. Yeah? Yeah, sir, this one. Nurvi! 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 Sir, Yes, sir. Yeah, she's watching you. She's making her presence known. Come. Hanji. Rolling. Take a second, eh? Take a second. Hi. Hello? Yeah, roll. सबसे पहले तो जानना चाहूँगी डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है, सो इस बार का थीम क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो गणपति बाप्पा मोरे आप सभी को। इस साल का थीम मेरी माँ ने, पिछले साल मेरी बेटी का जन्म हुआ था गणेश चतुर्थी के दौरान ही, और तो इस साल का थीम मेरी माँ ने नुरवी की वजह से पिंक कलर का थीम रखा है। और सारा ही अगर आप डेकोरेशन घर का देखें तो उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है और सारी चीज़ें वो खुद कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। तो मैं ये पूरे डेकोरेशन का श्रेय जो है मैं अपनी माँ को और मेरे पिताजी को दूंगा। इन एक बार जब डेकोरेशन हो जाता है फिर इन्हें इनका श्रृंगार करना और पूरी सारी थालियों को सजाना सब कुछ मेरे पिताजी खुद करते हैं। बस ये हमारे लिए बापा जब भी आते हैं कुछ न कुछ बहुत खूबसूरत अपने साथ लेके आते हैं, अपने आशीर्वादों के साथ। पिछले साल हमारी नुरवी रानी, मेरी पोती, मुकेश खानदान का चिराग मैं कहूँगा, उसका जन्म हुआ था गणेश उत्सव के दरमियान। इस साल 9 सितंबर को 1 की होगी। सबको बताना चाहता हूँ कि उसका नाम नुरवी, मुझे प्रेरणा मिली लता जी की आरती से, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। तो वो नुरवी नाम मेरे दिमाग में एकदम बैठा। जब नील के बेटी हुई तो मैंने बोला उसका नाम नुरवी ही होना चाहिए। आप सबको बहुत शुभ आशीर्वाद। और जैसे मैंने कहा कि इस साल मैं बापा से ये प्रार्थना करूँगा कि जैसे मेरे बड़े बेटे को सफलता दी है और आशीर्वाद दिया है, मेरे छोटे बेटे की मेहनत को सफलता दें, वो दिग्दर्शन में डायरेक्शन में अपने पहले कदम ले रहा है और उसकी फिल्म बाईपास रोड 1 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। और नमन को सफलता मिले, उसने इतनी मेहनत की है, ये मैं बापा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका हाथ इसके सर पे हमेशा रहे। साहू को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बेहद खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है इस एपिक फिल्म बनाने में। आज ब्लॉकबस्टर का किरदार मिला है फिल्म को और सभी
लोग जो हैं बहुत तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की। मैं बेहद खुश हूं कि इस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूं। मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रभास सर, श्रद्धा सर के साथ इस फिल्म में काम कर सकूं। थोड़ा ट्विस्टेड रोल था, इंटरेस्टिंग था, मगर करने में बेहद मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला जी। जैसा कि सर ने बोला कि आप 24 सालों से गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं, 26 सालों से, सो इस बार क्या कुछ अलग? इस साल हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से जो हम करते हैं वो हर साल करते ही हैं, थीम्स बदलते हैं। बस इस साल जो है ज़्यादा और लोग आएंगे, खुशियां और होंगी और सेलिब्रेशंस और होंगे। तो सार पूरे साल के जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, हम बापा के साथ हर दिन एक त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, सारे फेस्टिवल, रक्षाबंधन हो। तो इस साल मेरी बेटी भी पैदा हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहली राखी जो नूरवी अगर बांधे तो वो बापा को। गणेश चतुर्थी के मौके पर सबसे खास चीज़ आपको क्या लगती है? भोजन। थिंक ये पूरे साल में बस यही 10 दिन जो हैं जो थोड़ा कॉन्शियस होके खाते हैं, मगर खाते हैं। सर आपको? बस ये इनकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। खाना पीना तो सबको शौक होता है, इन 10 दिन खूब शौक से जश्न मनता है घर में, मगर भक्ति बहुत होती है हमारे सबके दिल में, इनकी भक्ति बहुत है और दिन रात पूजन से ही हमारा पेट भरता है, भोजन से बाद में। इन 10 दिन में जो एकजुट होकर सब घर आते हैं, मिलते हैं, वी फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट फॉर आर सेल्व, क्योंकि हमारे लिए ये 11 दिन जैसी एक शादी है जहाँ पे इतने लोग एक साथ आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन वेरी नाइस थिंग अबाउट इट। ओके सर, आपकी फिल्म बाईपास रोड आ रही है, सो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? ओह वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट पिछले साल गणेश चतुर्थी के ही दिन पे हमने अपना मुहूर्त शॉट लिया था, तिथि के हिसाब से एक पूरा साल हमारा हो चुका है और हमारे पहले पोस्टर आ चुके हैं। तो ऑल आई कैन से इज के हिज ब्लेसिंग्स आर ऑल दैट वी रिक्वायर एंड होपफुली इट विल ऑल गो वेल। के गणेश चतुर्थी के मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? बस जस्ट बी सेफ, हैव अ ब्लेस्ड गणेश चतुर्थी एंड एंजॉय योरसेल्फ्स, ईट अ लॉट ऑफ मोदक्स। ओके सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स? ये मेरा शुभ आशीर्वाद आप सब पर रहे और गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे, बना रहे, यूं ही खुशी लाते रहें हमारे घर में, हमारे जीवन में। बस मैं चाहता हूं कि आप हम सभी को आपका प्यार हमेशा देते रहें एंड गणपति बाप्पा मोरया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।